जालौन में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बच्चों के पढ़ने के लिए आई सरकारी किताबें कबाड़ के ढेर में देखी गईं। कबाड़ में किताबों के मिलने से शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। इसकी जानकारी जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को हुई तो उन्होंने जाँच के आदेश दे दिए हैं। मामला जालौन के कदौरा विकासखंड की बबीना ब्लॉक समन्वयक कार्यालय का है, जहां पर नौनिहाल स्कूली बच्चों को बांटे जाने वाली किताबें खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कूड़े के ढेर में पड़ी मिली। यह किताबें सरकार द्वारा स्कूलों में बच्चों को बांटने के लिए भेजी गई थी, लेकिन कोरोना के कारण इन्हें BRC कार्यालय में रखवा दिया था, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की लापरवाही के कारण इनको कूड़े के ढेर में फिंकवा दिया गया और यह किताब रद्दी की तरह कार्यालय में पड़ी है। जो किताबें बच्चों को बांटी जा सकती थी उन्हें बांटा नहीं गया, वह रद्दी के ढेर में पड़ी रही। वहीं इस मामले की जानकारी जब उरई मुख्यालय में बैठे शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद्र यादव को दी गई तो उन्होंने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। ये थी अजय पाल सिंह चौहान की रिपोर्ट। आपके माध्यम से मुझे पता चला है तो मैंने खंड शिक्षा अधिकारी डीसी ट्रेनिंग को भेज दिया है BRC पर निरीक्षण करने के लिए। क्या मैटर है, किताबें कैसी हैं, कि पुरानी है कि परिषद की, कैसी किताबें हैं, तो मैंने खंड शिक्षा अधिकारी डीसी ट्रेनिंग को भेज दिया। जैसे रिपोर्ट आएगी जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर जानकारी लगी है वहाँ के लोगों ने बताया ये 2020 और 2021 की किताबें हैं, तो क्या अभी तक किताबों का वितरण होगा? किताबों का वितरण हो गया। अब जाँच आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, जैसा होगा कार्रवाई की। दूसरा सवाल है लोना प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पर एक हेडमास्टरनी है, उन्होंने MDM का जो भी पैसा कोरोना टाइम में आया था वो अपने परिजनों और अपने अकाउंट में डाइवर्ट कर दिए, जबकि छात्रों के अकाउंट में और परिजनों के अकाउंट में आया था, तो उस पर क्या जांच चल रही है? नहीं तो जांच हो गई, इसकी रिपोर्ट आ गई है, उन्होंने पैसा वापस कर दिया और अभी खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सिर्फ दोबारा बता दीजिए।